वेलकम। नाउ प्रैक्टिस एट नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ जीन्स, वो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, एविलीना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। डिटोरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर इन, तो यहाँ पर होगा द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, आंसर भी सही होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बेस्ड ऑन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेटाजोन्स आर डिवाइडेड इनटू द प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स आर प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट व्हाइल द डिटोरोस्टोम्स इंक्लूड द कॉर्डेट एंड द एक्टो इकोनोडर्मेट्स। और डिटोरोस्टोम्स मीन्स ब्लास्टोप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर बीकम एनस एंड प्रोटोस्टोम्स ब्लास्टोपोर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बीकम माउथ। तो दिस डिवीजन इज हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोरोस्टोम्स इज दैट द प्रोटो pore in the protostome or the develop into the mouth while the plastopore in the deuterostome is develop into the anal opening or anus. In given below the tubular column and the difference between the protostomes and deuterostomes. यहाँ पर development state दी गई है। पहला यहाँ पर protostome का उदाहरण है ये सब, दूसरा यहाँ पर deuterostome का जो ब्लास्टोपोर है ये, इससे माउथ डेवलप होता है और यहाँ पर अपोजिट साइड एनस। तो ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है तो उसे स्टोरोस्टोम्स कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर डिटोरोस्टोम से एनस डेवलप होता है यहाँ से, तो उसे कहते हैं डिटोरोस्टोम्स जिससे एनस डेवलप होता है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर मैच करना है लिस्ट पहला, तो पहला यहाँ पर मैच फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट, करेक्ट द करेक्ट आंसर मैच ब्लू, यहाँ पर लिस्ट दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग आंसर, तो यहाँ पर बता रहा है कौन सा सही है। तो यूनिसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एक सही होगा, दूसरा तीसरा सही होगा। यूनिसेलुलर होते प्रोकैरियोटिक होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं और विदाउट प्लास्टिड होते हैं। वो यहाँ पर जो यूनिसेलर होते हैं जो ए प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्लाटिड भी होता है, तो उसमें प्लाटिड पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी सही हुआ। वो यूकैरियोटिक जो हैं कंसीडर बता रहा है यहाँ पर, यूकैरियोटिक जो है मल्टीसेलर भी होते हैं। वो कंसी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, जो मल्टीसेलर होते हैं वे यूकैरियोटिक होते हैं और प्लाटे सहित होते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही है 2, 4, 5, आंसर बी सही होगा। जो मल्टीसेलर होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, वो मल्टीसेलर होते हैं और प्लाटिट्यूड में पाया जाता है लाइक प्लांट। यहाँ पर कुछ प्रोटिस्ट आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विद द प्लास्टिड, प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक एनग्रीज, दे आर द मोस्ट यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गीज मल्टी सेलुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आंसर बी, द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई, तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक और रेडियो डेटिंग।
द टर्म टॉकजान फॉर फर्स्ट वाज यूज्ड बाय, तो यहाँ पर मेयर ने सबसे पहले टॉकजान शब्द दिया था। यहाँ पर मैच करना है तो पायला का यहाँ पर किसी ने दिया था, यहाँ पर मिस्ट सेकेंड और लिस्ट है जो गिवन कोड यहाँ पर सही मिलाना है। तो पायला का नाम किसी ने दिया था, पायला, तो पायला का यहाँ पर होगा डॉक्टर बेन प्रसाद। और पहले का तीसरा है फेरेटीमा, फेरेटीमा का पहला होगा के एन वहाल। दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, और दूसरे का तीसरे का दूसरा एस डी डास, एस एम डास, और पॉलीमोन, पॉलीमोन का यहाँ पर हो जाएगा फाइव, पॉलीमोन का एस एस पटवर्धन, एस एस पटवर्धन, और हाई एल्टीट्यूड एम एस मनी, हाई एल्टीट्यूड एम एस मनी, आंसर सी सही होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, जो पायला है उसको बेनी प्रसाद ने नाम दिया था, फेरेटीमा यहाँ पर के एन भाल ने, हारिडमानिया एस एम दास ने, वेलीमान एस एस पटवर्धन, हाई एल्टीट्यूड एम एस मनी। द टर्म टैगजान गिविन फाइव, तो यहाँ पर हो चुका है, ये कुछ बायोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से जो साइंटिस्ट हैं जो टर्म दिया था। टैगजान यहाँ पर अडल्ट मेयर ने दिया था। साइंटिफिक्स सिस्टमेटा नेचुरी जो है लीनियस ने दी थी पुस्तक। टैक्जोनॉमी ई पे कंडोली ने शब्द दिया था। फाइलोजोनी हीकल ने दिया था शब्द, फाइलोम में यहाँ पर हीकल ने शब्द दिया था। ऑर्डर एंड क्लास लीनियस ने, स्पीसीज जॉनरे ने शब्द दिया था। बायनोमी नेमिल क्लेचर इज प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पर कॉरेलस लीनियस ने दिया था ये। आर ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इंटू एट किंगडम ऑफ द अपर बाई द, तो यहाँ पर क्लेविट क्लेविल स्मिथ ने यहाँ पर एट किंगडम दिया था, और बिटेकर ने फाइव किंगडम, टू किंगडम यहाँ पर हीकल ने दिया था। टैक्जोनॉमी इंक्लूड, तो यहाँ पर टैक्जोनॉमी इंक्लूड क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। 47 का पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर 47 का दूसरी जगह पर देखेंगे। लीनियस इज क्रेडिट फॉर, तो लीनियस इज क्रेडिट फॉर यहाँ पर होगा बायनोमियल नेमिल क्लेचर। और लीनियस इज क्रेडिट फॉर हो चुका है ये बायनोमियल नेमिल क्लेचर। टू वर्ड कंप्राइज बायनोमियल नेमिल क्लेचर आर, तो जीनस एंड स्पीसीज सब दिया था जो लीनियस ने, उसमें यहाँ पर जीनस स्पीसीज थी और लीनियस ही 1857 फॉर द नॉलेज फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्जोनॉमी, फादर कहते हैं यहाँ पर, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्जोनॉमी जो कि लीनियस ने टैक्जोनॉमी सब दिया था, वो यहाँ पर टेक्जोनॉमी के फादर लीनियस हैं। प्रोटोजोआ से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, फीडिंग इन स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ में फीडिंग यहाँ पर किसके द्वारा होता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज द एक्जैक्टली इंडो पैरासाइट, तो यहाँ पर जो इंडो पैरासाइट है स्पोरोजोआ है जो कि सब फाइलम है। सेल जॉल थेरी, सेल सॉल जेल थेरी एपोसिटोपोडिया फॉर्मेशन इन, तो ये किसने दिया था, हाइमन ने। हाइमन ने 1917 में दिया था थ्योरी बाय लेटर सपोर्टेड पेंटिल एंड मास्टिन, एनिमल किंगडम से यहाँ पर है, तो वही पूछ रहा था। हाइमन ने दी थी यहाँ पर साल जेल थ्योरी, एक्सप्लेन इन लोकोमोशन अमीबा, अमीबा में जो लोकोमोशन होता है साल जेल थ्योरी के द्वारा, तो पेंटिल ने सपोर्ट किया था, हेमन ने और पेंटिल ने। साल जेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय हेमन एंड पेंटिल।
लोकोमोशन यहाँ पर हो चुका है, लोकोमोशन एब्सेंट इन, तो जो स्पोरोजोआ है इंडो पैरासाइट है तो उसमें लोकोमोशन नहीं होता है। हाईलाइन कैप ऑफ सीडोपोडिया अब अमीबा इज मेटापॉप, तो यहाँ पर एक्टोप्लाज्म होता है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इनकरेक्टेड टाइल वाइकूल ऑफ अमीबा इज, तो सडनल इज सडन, सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेडुअल, आंसर भी सही होगा। करेक्ट फॉर अमीबा, तो अमीबा के बारे में क्या सही है, यहाँ पर जूट्रोफिक बता रहा है, बी वेदर लेंटिक, तीसरा किंगडम बता रहा है सी, और डी यहाँ पर किंगडम मोनरा है, तो आंसर यहाँ पर होगा ए बी सी सारे सही होंगे। यहाँ पर जो ट्रॉफिक होता है अमीबा, क्योंकि वो जो छोटे छोटे जंतु खाता है, और लेंटिक होता है, लेंटिक मतलब बहते जल में रहता है, किंगडम यहाँ पर है, किंगडम मोनेरा में आता है, और किंगडम मोनेरा है, तो आंसर यहाँ पर ए बी सी सही होगा। अमीबा इज कार्निवोरस, दे आर फीड बाय द फैगोसाइटोसिस, तो आंसर तीनों सही होंगे ए बी सी। और अमीबा जो है किंगडम मोनेरा में नहीं आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, इसलिए डी आंसर गलत है, तीन ए बी सी तीनों सही हैं। ये किंगडम है जो कि मोनेरा वो प्रोटिस्टा में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सिक्वेंस, तो यहाँ पर जो सबसे पहले बता रहा है प्रोटोजोआ, उसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरस, तो सबसे प्रोटोजोआ का यहाँ पर है मलेरिया, उसके बाद मम्स बैक्टीरिया की है, वायरस टाइफाइड है, टाइफस, तो आंसर वो टाइफस, टाइफस तो यहाँ पर बैक्टीरिया है, मम्स प्रोटोजोन्स का यहाँ पर स्लीपिंग साइकनेस, टाइप्टेरिया हेपेटाइटिस बी, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो यहाँ पर प्रोटोजोन है टेपनोसोमा स्लीपिंग साइकनेस, डिप्टीरिया बैक्टीरिया है जो कि हेपेटाइटिस बी 12 है, वो भी यहाँ पर वायरस है डबल स्ट्रैंडेड आरएनडीएनए वाला, तो आंसर सी सही होगा। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो मोड ऑफ लोकेशन लोकोमोशन, तो प्रोटोजोआ का सब फाइल में बटा गया है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द दे लोकोमोशन बैक्टीगोफोरा सार्कोडिना सीलियोफोरा और स्पोरोजोआ। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोवा लोवा इज थ्रू, तो यहाँ पर होगा क्राइप्सोप्स, आंसर पहला ही हो जाएगा। मोनोसिटी दीजिए पैरासाइट ऑफ, तो यहाँ पर जो यूटोफोइनिस है यूटीफोइनिस उसका इंडो पैरासाइट होता है। सक्टोरियल इज द सब क्लास ऑफ फाइलम, तो सक्टोरियल जो सब फाइलम है इसका प्रोटोजोआ का है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोवा लोवा, तो हो चुका है कुछ, प्लाज्मोडियम इंटर थ्रू द इंटर बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग अस, तो यहाँ पर होगा स्पोरोजोइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा में होलोजोई होता है, बोलो जो न्यूट्रिशन आंसर टी सही होगा, पुरानी संभोजी। न्यूट्रिशन अमीबा हो चुका है, न्यूट्रिशन ही अमीबा बोलो जो ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्ड एज इन इमोर्टल, तो यहाँ पर होगा अमीबा। अमीबा इज सिंगल सेल्ड सेलड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म कंसीडर बायोलॉजिकल इमोर्टल बिकॉज दे आर डू नॉट डाई बेरस ग्रीन प्लांट एंड फंजाई। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड द इमोर्टल, तो यहाँ पर हो चुका है अमीबा।
द स्केलेटन ऑफ विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स। तो यहाँ पर होगा रेडियो, द स्केलेटन ऑफ विच आर द फॉलोइंग ग्रुप प्रोटोजोआ फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सेडिमेंटरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन के। द स्केलेटन ऑफ विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रोटोजोआ फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स। तो यहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं ध्यान है, तो आप गूगल करके देख लें क्योंकि गलत नहीं लगा सकता मैं। मोनोसिस्टिस पैरासाइट आप, तो यहाँ पर ये तो हो चुका है, डी वाला आंसर है इसका। कंसीडर द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ बिलोंग टू द प्रोटिस्टा, तो ये सही है। द प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर, ये भी सही है, वो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। यूकेरियोट तो है मेरे मल्टीसेलुलर, तो आंसर यहाँ पर होगा 19 का बी सही होगा। बहुत ए आर वो प्रोटोजोन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा, हाँ ये सही है, प्रोटोजोन जो है प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, मगर यहाँ पर पहला वाला प्रोटोजोन और यूनिसेलुलर, प्रोटोजोन्स जो है मल्टीसेलुलर है, तो ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रोटोजो है जो मल्टीसेलुलर, यहाँ पर यूकेरेटिक यूनिसेलुलर और यूकेरेटिक हैं, तो आंसर यहाँ पर दोनों सही होंगे, तो आंसर यहाँ पर भी सही होगा। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रोटोजोन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर हेटरोट्रोफिक एंड सॉल्व द एनिमल लाइक बिहेवियर। प्रोटोजोन था यूनिसेलुलर बट यूकेरेटिक, रीजन इज द नॉट सर्टिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिशन एंड फिशन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉमनली फाउंड इन, तो प्रोटोजोन्स में है, फिशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिशन और यहाँ पर होता है, और मल्टी फिजन इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल डिवाइड हाई इन टू इट सेल्फ इन टू द टू इक्वल आइडेंटिकल डाटर सेल्स। तो प्रोटेस्ट बाइनरी फिशन इन ऑफन डिफरेंटेड इन टू द टाइप्स, वन यहाँ पर ट्रांसवर्स या दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, दो टाइप से ट्रांसवर्स होता है यहाँ पर बाइनरी फिशन, डिपेंड ऑन द एक्सिस ऑफ सेल सेपरेशन। सेफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ एनिमल विच इज द, जिसमें क्या होता है कि जो है हेड इज फ्यूज्ड विद थोरक्स या फुट इज लोकेटेड ऑन द फुट, जो पैर जो है वो सिर पर पाए जाते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ डिवाइड इनटू द फोर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, तो लोकोमोशन एंड स्ट्रक्चर। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स, तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ लोकोमोशन लोकोमोटर डिवाइस। साइजी कंडीशन इज फाउंड इन, तो साइजी कंडीशन पाई जाती है ग्रेगार और मोनोसिस्टिस में, दोनों में पाई जाती है साइजी कंडीशन, और दोनों प्रोटोजोन से।
एजज्ड फ्राम द अडल्ट स्ट्रक्चर अलोन द मेंबर ऑफ सम क्लास सेक्टोरिया वुड सर्टनली बी प्लास इन द सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। सही है। दूसरा बता रहा, इट इज ओनली द वर्चुअल ऑफ द फैक्ट ऑफ डिप्लोमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास ऑफ सिलियोफोरा। तो यहाँ पर बता रहे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सही हैं। जो है अडल्ट स्ट्रक्चर अलोन द मेंबर ऑफ, जो अडल्ट स्ट्रक्चर है तो वो सदस्य हैं यहाँ पर मेंबर, और सब क्लास सेक्टोरिया जिसे कहते हैं वो सही है। और यहाँ पर बता रहे दूसरा जो कि सेपरेट एक प्रोटोजोआ में रखा गया है, और दूसरा बता रहा है कि इट इज ओनली द वर्चुअल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट आर यूनाइटेड सिंगल क्लास ऑफ सिलियोफोरा। ये केवल सिंगल क्लास सिलियोफोरा में ही पाया जाता है सेक्टोरिया सब क्लास। तो आंसर यहाँ पर एक सही होगा। बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्टोरिया इज वन ऑफ द क्लास ऑफ फाइलो फेरिंजियल फेरिंजी एंड फाइलम सिलियोफोरा। सेक्टोरिया द परहैप्स मोस्ट वेल नाउन हाईली अनसोल मेंबर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। दे वेर नॉट कंसिडर टू बी सिलिएटेड बिकॉज दे लाक सिलिया एट द सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ। सेक्टोरिया बेयर मच रिसेम्बलेंस टू अदर मेंबर ऑफ सिलियोफोरा। बेसल ग्रैनुलर डिफर फ्राम इन द फ्लेजलम इन हैविंग, यहाँ पर 9 पेरिफेरल ट्रिपल बट सेंट्रल फाइबर विदाउट सेंट्रल फाइबर। तो यहाँ पर 9+2 का जो फार्मूला होता है फ्लेजलेटा और फ्लेजलेशन में, तो यहाँ पर 9+2 की जगह पर 0 ही रह जाता है, इसलिए यहाँ पर अंतर है। वेसल ग्रैनुलर डिफर फ्राम फ्लेजलम हैविंग 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट बट विदाउट सेंट्रल फाइबर्स। तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, तो जो पैरासाइट है टोटली इंडो पैरासाइट इस प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का क्लास है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट सही पहचान प्रोटोजोआ था मेनली हेटरोटॉफ, सही है। दूसरा उत्तर वाटर एंटर्स थ्रू द स्कूलम इन स्पंज, ये गलत है। नीडोब्लास्ट आर द लोकेटेड ऑन द हाइड्रा, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर एक सही होगा। प्रोटोजोआ एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट दे आर नाउन एज हेटरोटॉफ्स यूजिंग कार्बन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड ऑल प्रोटोजोन्स यूकैरियोटिक एंड देयर फॉर पोसेस ए ट्रू न्यूक्लियस। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली इंडो पैरासाइट, तो हो चुका है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, ये भी हो चुका है। एक क्लास आप जो यहाँ पर ये भी हो चुका है इंडो पैरासाइट स्पोरोजोआ। कंटेक्टाइल बैक्टीरिया इन प्रोटोजोन्स इज मेनली सर्व फॉर, तो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लेजलेट, तो जो ऐसा कौन सा है नोटिलुका है जो कि फ्लेजलेट जो है प्रोटोजोन्स है जो पैथोजेनिक नहीं है, और सारे जो पैथोजेनिक हैं प्रोटोजोन्स। बायोलुमिनेंस इज एक्सेसेट बाय, तो बायोलुमिनेंस यानी जो प्रदीप्त किन के द्वारा उत्पन्न होती है प्रायोफोमा सेरेटियम के द्वारा, तो आंसर एक सही होगा। कॉन्टेक्टाइल बैक्यूल इज प्रेजेंटिन, तो यहाँ पर प्रोटोजोन में पाई जाती है जो कि अमीबा है, अमीबा है यहाँ पर रेगुलिना पैरामीसियम, इसमें यहाँ पर सभी में पाई जाती है ऑल ऑफ दीज, रेगुलिना में पैरामीसियम में भी। All of these. अमीबा लाइमेक्स मूव बाई, तो अमीबा लाइमेक्स के द्वारा लोबोपोडिया द्वारा। बायोलुमिनेंस यहाँ पर हो चुका है। विच आर द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो पैरासाइट, तो यहाँ पर होगा हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सीना।
करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कंटेक्टाइल बाइक्यूल ऑफ अमीबा, तो यहाँ पर डाइसेटोलिक सिटोलिक सडेनल व डाइसेटोलिक ग्रेडुअल आंसर यहाँ पर बी सही हुआ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर द फाउंड इन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ, तो पॉलीमॉर्फिक वो ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती है। विच आर द फॉलोइंग ऑसिलेटेट में यहाँ पर फैसिली में पाई जाती है पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। विच आर द फॉलोइंग प्रोटोजोन नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी हो चुका है। हाईलाइन केप ऑफ सीडोपोडिया अमीबा इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर ये भी हो चुका है एक्टोपैरासाइट। वन रीजन फॉर द पटिंग प्रोटोजोआ अंडर द किंगडम एनिमलिया इज दैट आर, तो यहाँ पर होगा मेनली हिटरोट्रॉप्स मोटाइल। सेल जार थ्योरी एक्सप्लेन द लोकोमोशन इन अमीबा पॉइंट बाय, तो यहाँ पर होगा मास एंड प्रिंटल। विच आर द फॉलोइंग सेलेड अमीबा, तो अरे सेला क्योंकि सेलेड अमीबा है इसमें सेल पाई जाती है एक अकेला जो प्रोटोजोआ है ऐसा। विच आर वन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट, तो ये भी हो चुका है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। लोकोमोटरी आर्गन और अब्सेंट इन क्लास, तो इस फोर जो होगा पहला ही सही होगा। तो हेलन कैप यहाँ पर ये भी हो चुका है क्वेश्चन। वन रीजन फॉर पटिंग फोटो जो और किंगडम एनिमिलिया इज दे आर, तो यहाँ पर ये भी हो चुका है मोटाइल। साल जेल थेरी प्रैक्टिल ये भी हो चुका है। रेनियस आर मैसेंजर कार्पोक्लेथर एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पर होगा सार्कोस्पोरोडिया। जो रेनिस रेनिस और मॉइस्चर स्कार्पोक्लेसस एसोसिएटेड विद, तो सार्कोपोडियम। रेनिस आर मॉइस्चर स्कार्पोक्लेसस एसोसिएटेड विद द सार्कोपोडिया, इट इज द क्रेसेंट शेप्ड स्पोर स्पोरोजोन ऑफ द अदर ऑफ ऑर्डर स्कोरोपोडिया स्पोर ब्राइडो जॉइट्स फाउंड विथिन द एग्लुमिनेटेड elongated cysta protozoans cyto sarcocytes occur in the connection with the process of calcification of tissue. वन टी वी वा से यहाँ पर क्वेश्चन है। वन टी वी वा हिटोलिट का है, तो नो कंटेक्टल वेहिकुल यहाँ पर पाई जाती है, कोई वेहिकुल नहीं है, वो यहाँ पर बन होगा बन सीडोपोडियम। मॉर्फोलॉजिकल एंटीमीबा हिस्टोलिका अकरिंग इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, तो यहाँ पर होगा दो तीन, मैग्ना माइनूटा एंड ट्रोफोजाइट। यहाँ पर होगा पहला ट्रोफोजाइट पेरासिस्ट एंड सिस्ट, मैग्ना माइनूटा और ट्रोपोजॉइट भी होता है। इन्फेक्टिव जो है मैग्ना फॉर्म होती है। जो मैग्ना फॉर्म है फिर माइनूटा फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म इन्फेक्टिव स्टेज होती है। पर एंटीमीबा हिस्टोलिका है नो कॉन्टैक्ट एल्बिकुल, तो यहाँ पर हो चुका है कंटेक्ट एल्बिकुल अब्सेंट या नो कंटेक्ट एल्बिकुल। कंटेक्ट एल्बिकुल लॉकिंग इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स, तो एंटी अमीबा हिटोलाइट का जो कि इंडोपैरासाइट है मैन का मैन कॉलम। कंटेक्ट एल्बिकुल इज अब्सेंट इन, तो हो चुका है यहाँ पर एंटी अमीबा हिटोलाइट का। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटी अमीबा हिटोलाइट का, तो यहाँ पर होगा टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट जिसे कहते हैं मैनूटा।
इन्फेक्टिव टेज एंटीबायोटिक लिखा तो यहाँ पर होगा माइनोटा फॉर्म या टेटा न्यूक्लियर फॉर्म। हाउ मैनी न्यूक्लियर आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटीबायोटिका, तो मैच्योर सिस्ट में यहाँ पर लगभग 4 होंगे, 8 होंगे यहाँ पर न्यूक्लियाई। द सेक्रेशन इन एंटीबायोटिका टेक प्लेस बाई सेक्रेशन, तो यहाँ पर होगा जनरल बॉडी सरफेस। टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल ऑफ आर प्रोटोजोन इन द फाउंड रेदर देन अनसेटिसफैक्टरी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटेड टू वन फॉलोइंग एक्सेप्शन इज दिस डेफिनेशन। टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल फॉर प्रोटोजोन्स, तो रेदर अनसर्टिनिटी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिलेटेड, यहाँ पर होगा यूलिना। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट अमीबा, तो यहाँ पर हो गया 8 वाला। एक्सक्रीशन इन एंटीमेबा हिटोलाइटिका टेक प्लास थ्रू तो जनरल सरफेस बॉडी। इन ह्यूमन एंड एंटीमेबा हिटोलाइटिका एंटीमेबा जिंजिविलस लिव इन द पस पॉकेट ऑफ पायरिया ग्लीना, से यहाँ पर क्वेश्चन है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्लीना इज कंपोज ऑफ, तो क्लोरोफिल ए एंड बी, तो आंसर डी सही होगा, ए एंड बी एंड बीटा कैरोटीन। ग्लीना कंटेन क्लोरोफिल, तो यहाँ पर ए एंड बी आंसर सही होगा ए। ऑफ द फॉलोइंग ग्लीना बिलोंग टू द बिच क्लास, तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइटोमेस्टिगोफोरा 2021 में आया था टीजीटी। टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल फॉर प्रोटोजोन इज फादर अनसेटिसफैक्टरी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सर्टिफेक्ट स्टेटेड टू बी वन फॉलोइंग एक्सेप्शन इज डेफिनेशन, तो यहाँ पर आंसर एक सही होगा। वो यहाँ पर फंजाई पोटो, यहाँ पर यूनिसेलर प्रोटोजोआ है जो कि यूगनीला है। टू वर्ड डेफिनेशन ये यहाँ पर हो जाएगा यूलिना, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। पैरामाइलम बॉडीज आर, तो पैरामाइलम बॉडीज है ये होगा रिजर्व फूड ऑफ इग्लिना जो कि स्टार्च होता है। जो पैरामाइलम आर द रिजर्व फूड ऑफ इग्लिना इट इज द पॉलीसेकेराइड। रिजर्व फूड इन इग्लिना बेरीडियस माइली, तो आंसर भी होगा पैरामाइलम। रिजर्व फूड इन ग्लीना इज द पैरामाइलम क्लोरोप्लास्ट इन ग्लीना कंटेन द पैरेनॉइड विच यूज टू सिंथेसिस पैरामाइलम इट इज कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। तो पैरामाइलम है क्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेकेराइड है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, तो जो ग्लीना है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाजोडियम हीमोजिन इज अ फाउंड इन, तो यहाँ पर होगा क्रिप्टो मैरोजोइट स्टेज, मैरोजोइट स्टेज जो कि हीमोजिन पर आप, तो हीमोजिन यहाँ पर होगा रप्चर ऑफ आरबीसी के द्वारा मैरोजोइट से द्वारा हीमोजिन प्रोड्यूस होता है जो कि फीवर एक कप कपी के साथ आता है। ग्लीना फूड स्टोरेज इन फॉर्म, तो इसमें होगा पैरामाइलन ग्रैनुलस,
के रूप में लेना है, कोड को स्टोरेज करता है। प्लाज्मोडियम से एमसीक्यू हुई तो द ट्रोफोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव इन यूरोथ्रोसाइट ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इन्फेक्टिव टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स इज नाउन एज, तो जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है उसकी इन्फेक्टिव टेज है स्पोरोजॉइट। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजेन इज फाउंड इन, तो यहाँ पर मेरोजॉइट बताया था। द इन्फेक्टिव टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फीमेल एनाफिलीज, तो जहाँ पर फीमेल एनाफिलीज के लिए जो इन्फेक्टिव टेज है वो गैमेटोसाइट्स। मोरारेस डॉट आर फाउंड इन द यूरोथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम इन्फेक्शन इज द माइनट ग्रैनुलिज्म द कार्पोक्लेसेस साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिंथाइड एरिथ्रोसाइट आर द नाउनस मोरारेस्टाट। प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम इन्फेक्शन माइनट बता रहे ग्रैनुलस हैं जो कि कार्पोक्लेसेस साइटोप्लाज्म पर पाए जाते हैं तो एरिथ्रोसाइट पर, तो उसे क्या कहते हैं मोरारेस्टाट। मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, तो यहाँ पर फीमेल स्टोमच ऑफ मेल फीमेल मस्क्यूटो। विच वन फॉलोइंग हैज द वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन द लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर होगा प्लाज्मोडियम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम। मोटाइल जाइगोट, तो यहाँ पर रिपीट होगा कई बार क्वेश्चन, तो मोटाइल जाइगोट फाउंड इन लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम, आंसर भी सही होगा। प्लाज्मोडियम तो एक डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट है, पहला यहाँ पर मैल है दूसरा मस्क्यूटो, पहला यहाँ पर मैन है दूसरा एनाफिलीज फीमेल। क्रिप्टोजोइट इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फाउंड इन तो ब्लड ऑफ लीवर ऑफ मैन। क्रिप्टोजोइट्स जो हैं पाए जाते हैं लीवर ऑफ मैन में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के। तो साइजेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, तो साइजेंट स्टेज जो पाई जाती है लीवर एंड रीड सेल ऑफ मैन। स्कोपनर डॉट ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट्स ड्यू टू द मलेरिया। बीच स्टेज प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इफेक्टिव टू मैन, तो यहाँ पर स्पोरोजॉइट होगा। माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म ओसाइट्स जाइगोट्स। गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, तो गैमेटोसा जो है साइट पाए जाते हैं स्टोमच ऑफ एनाफिलीज फीमेल, तो यहाँ पर भी सही होगा। गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाउंड इन, तो गैमेटोसाइट यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज में होगा स्टोमच ऑफ फीमेल ग्लैंड ऑफ, तो जो यहाँ पर बी नहीं होगा सही। गैमेटोसाइट्स जो हैं वो जो फीमेल एनाफिलीज में बनते हैं स्टोमच में। साइजेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर इन,
साइजान रिटेज है यहाँ पर, तो यूरेथ्रोसाइट आप कंबाइन में होगा। इन बीच फॉलोइंग प्लेसेस द ओकंटी ओकंटी स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड। ओकंटी यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर होगा स्टोमच ऑफ मस्क्यूटो। बीच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर सेरिब्रल और मलेरिया, तो फैलसी पर होगा जो कि टर्टियन मल्ली मैगलिनेट टर्टियन मलेरिया भी होता है पेल्सीफेरम के द्वारा सेरिब्रल मलेरिया होता है या मैगलिनेट मलेरिया, दोनों नाम हैं इसके। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा वाइवैक्स होगा मलेरिया, और प्लाज्मोडियम ओवाली के द्वारा मिल्ड टर्टियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा क्वार्टन मलेरिया होगा। बीच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज द सेरिब्रल मलेरिया, तो पेल्सीफेरम होगा, रिपीट हो गया। मैगलिनेट टर्टियन मलेरिया इज काज्ड बाय पेल्सीफेरम होगा इसका भी। यहाँ पर दो तरीके के मलेरिया हैं, क्या कहते हैं, सेरिब्रल या मैगलिनेट, तो दोनों पेल्सीफेरम के द्वारा होती हैं। सेरिब्रल या मैगलिनेट मलेरिया, तो दोनों मलेरिया होती हैं पेल्सीफेरम के द्वारा। स्टेज ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट इंजेक्टेड इन द स्टोमच ऑफ एनाफेज एक्सेप्ट गैमेटोसाइट। एंजियोस्पर्म एंजियोगेमी मीन्स होता है इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर, अनआइसोगेमी मीन्स होता है जो गेमिट हैं जो समान नहीं होते हैं, तो डिसिमिलर गेमिट आर सीन इन द प्लाज्मोडियम, मतलब छोटे और बड़े दोनों एक से अलग अलग से स्ट्रक्चर हों, भिन्न स्ट्रक्चर के हों, तो उसे डिसिमिलर अनआइसोगेमी कहते हैं। और जो प्लाज्मोडियम बढ़ गई है तो पैरासाइट आप है, तो यहाँ पर रेट का हुआ जो है, यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लिया या पैरामीथियम का है तो हैप्लॉइड होगा, और जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म तो पॉलीप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड यहाँ पर पॉलीप्लॉइड एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, आंसर यहाँ पर बी सही होगा, पहला सही होगा जो माइक्रोन्यूक्लिया पैरामीथियम का है जो पॉलीप्लॉइड एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। माइक्रोन्यूक्लिया या पैरामीशियम जो कि डिप्लॉयड होता है, तो बता रहा है कि बीच स्पेसीज ऑफ पैरामीशियम है सिम्बायोटिक यूकेरेला, तो यहाँ पर बर्सेरिया। इंडोमिक्सिस इज ए पैरामीशियम फेनोमिन रिलेटेड टू, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से संबंधित है। इंडोमिक्सिस रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम इज द प्रोड्यूस बाय द बीच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, तो कप्पा का पार्टिकल के द्वारा पैरामीशियम जो है पोस्टियर कंटेक्टल वाइकुला पैरामीशियम पोस्टुलेट फास्टर देन द एंटीरियर पोस्ट एंटीरियर वाइक्यूल। फंक्शन ऑफ कंटेक्टल वाइक्यूल तो सबको पता होगा, यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन। साइटोपाइज अपर्चर ऑन द बॉडी या पैरामीशियम विच इज यूज फॉर द एजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो पैरामीशियम है जो बिलोंग टू द ऑर्डर, तो यहाँ पर होगा हाइमेनोस्टोमेटिडा, आंसर यहाँ पर होगा सी से होगा। साइटोपाइज बता रहा है कितने पाया जाता है, तो साइटोपाइज पाया जाता है पैरामीशियम में। और रिगार्डिंग यहाँ पर कंजुगेशन पैरामीशियम, तो यहाँ पर आउट ऑफ फोर न्यूक्लियाई थ्री इज डीजनरेट। यहाँ पर स्टेटमेंट है इन द पैरामीशियम पोस्टीरियर कंटेक्टल वेहिकल पोस्टुलेटेड फास्टर देन द इंटीरियर, पहला सही है। दूसरा बता रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू द इंटीरियर इंटीरियर रीजन बाय द साइटोपेरिनिक्स, आंसर यहाँ पर एक सही होगा, दोनों सही होंगे ए एंड आर टू
एंड आर इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट ओपेंस एंड डिफेंस। कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। पैरामीशियम इज ए, तो यहाँ पर होगा अमीनोटोली, क्योंकि पैरामीशियम वाटर में रहता है। जितने जब वाटर में एनिमल रहते हैं वो पैरासाइट, वो जितने भी वाटर एनिमल हैं वो उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है अमीनो एसिड होगा, अमोनिया ही होगा। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ तो माइक्रो न्यूक्लियाई। इन पैरामीशियम फेनोमेन ऑफ साइक्लोसेसिस विस एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पर होगा डाइजेशन। सिल्वर लाइन जो है सिस्टम है वो किससे संबंधित है, तो पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम एक्ट द न्यूरो ट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद द पैरामीशियम। मोड ऑफ इनटेक इन पैरामीशियम, तो जो भोजन लेने का यहाँ पर है, तो यहाँ पर फूड जो है, फूड मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, तो होलोजेनिक टाइप का यहाँ पर फूड इनटेक। एम्फीमिक्सिस इन्वॉल्व इन पैरामीशियम, तो एम्फीमिक्सिस यहाँ पर जो इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई विद द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। हेटरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई हमेशा पैरामीशियम पाया जाता है, जिसे सेलिएटेड प्रोटोजोन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द अनचार्ज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम ट्राइकोसिस्ट। इन पैरामीशियम पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर, जो कंट्रैक्टाइल वाइकुल है उसके बारे में बात हो रही है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम हेल्प इन, तो यहाँ पर हाइडिडिटी न्यूक्लियर रियलाइजेशन, तो यहाँ पर होगा ऑल अबव हाइडिडिटी वेरिएशन और ऑल अबव न्यूक्लियर रियलाइजेशन रिजुवेशन ऑल अबव ये सारे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।